बहुत ज़्यादा डार्क और सांवली स्किन है, फाउंडेशन ले लेकर थक चुके हो, समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरी स्किन टोन से मिलता जुलता ऐसा कौन सा फाउंडेशन लूँ जिससे लगा कि ना आपका जो मेकअप है ना वो इतना ज़्यादा सुंदर हो जाए ना कि बस लोग देखते ही रह जाए, तो बस कहीं नहीं जाना आपको, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लस जिनको मेकअप नहीं आता ना तो वो इस वीडियो के थ्रू मेकअप भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी स्टेप बताती हूँ, सिंपल बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपने स्किन को प्रिपेयर करना, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी स्किन टोन हो, आपको क्या करना है, कोई भी मॉइस्चराइजर लेना। तो मैंने यहाँ पे लिया लैक्मे का मॉइस्चराइजर, ठीक है। सितंबर का टाइम, सितंबर समझ लीजिए स्टार्ट हो चुका है, तो हल्की ठंडियाँ आ जाती है हमारे फेस के लिए, क्योंकि हमारी फेस जो है ना वो ड्राई होने लगती है। तो चाहे वो ठंडी का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो, स्किन को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अभी मैं ले रही हूँ वाओ का एलोवेरा जेल और ये एज अ प्राइमर मैं लगाऊंगी अपने फेस पे, जैसे आप प्राइमर वगैरह लगाते हो वैसे ही। ये देखिए इस तरीके से बस, और अभी हम इसको भी छोड़ देंगे हमारी स्किन में सेट होने के लिए। अभी मैं ले रही हूँ फाउंडेशन जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं लगाऊंगी। अगर आपको डार्कनेस की प्रॉब्लम है तो आप कलर करेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, हल्के हाथों से लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको थप्पड़ मारना है, बस हल्के हाथों से इस तरीके से करते जाइएगा, कहीं खुद ही ब्लेंड आउट हो जाएगा। ये देखिए देखिए इतने इजली ये ब्लेंड हो गया, इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे कट नहीं करती हूँ ताकि आप लोगों को बिलीव हो, वरना फिर लगेगा दी ने ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया होगा। बिल्कुल हल्के हाथों से आप देख सकते एकदम, मतलब फिनिशिंग देख रहे कितनी अच्छे से ब्लेंड होता है हाथों की हेल्प से ही। और तो जैसा मैं बता रही हूँ सेम फाउंडेशन आपको वैसे ही लगाना है, आराम से लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लेयर बाय लेयर मत लगाइएगा, हो सके तो दो बार या एक बार में ही ट्राई कर लीजिएगा। ये वाला जो फाउंडेशन है ना इतना अच्छा है, इतनी मतलब बहुत हाई कवरेज तो नहीं देता, बट अगर आप फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हो या पहली बार मेकअप कर रहे हो तो ये वाला फाउंडेशन आपके लिए इतना अच्छा होने वाला, यकीन मानो आपको लगेगा कि आपने पहले क्यों नहीं ट्राई किया ये ट्रिक और ये फाउंडेशन, ये चीज़ें आपने पहले क्यों नहीं की। तो बहुत अच्छा है, आप हाथों से ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से किसी चीज़ से भी फाउंडेशन को लगाओगे, ये इतना हल्का होता है ना कि इंडियन टोन स्किन के हिसाब से ये फाउंडेशन बना, इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल है। अगर आपके इससे भी डार्क स्किन है ना तो मैं प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे आप मुझे क्या करना, एक कमेंट भर कर देना, ठीक है। तो बस हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे लगाना है, आप चाहो तो थोड़ा सा लेके बस जैसे आप क्रीम वगैरह भी लगाते हो वैसा भी लगा के आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आता है। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट, देखो व्हाइट के पीछे मत भागो, मेकअप ऐसा होना चाहिए कि बस लोग देखते ही कहें हुआ है, ठीक है। और इसी से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी, हल्का हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के लाइटली आपको सेट करना है। ये देखिए बस, इसके बाद मैं ले रही हूँ एक आईब्रो पेंसिल और इसी से मैं अपनी आईब्रो को सेट कर लूंगी। ये देखिए हल्के हल्के से बस लाइटली, इधर भी ऐसे ही। और एक बार अभी तो मैंने अपनी थ्रेडिंग खुद से बना ली थी, देखिए वो अच्छा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेबलिन का काजल, ये बहुत अफोर्डेबल, बहुत अच्छा बजट में है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो या तो जो भी आप काजल लगाते हो वो अप्लाई कर सकते हो। मैं लगाऊंगी सीव्स ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट, इस तरीके से हम लगाएंगे ताकि थोड़ा सा हमारे फेस पे ग्लो भी दिखे और ऐसा लगे कि हमने ब्लशर भी लगाया है। ये देखिए हल्के हल्के से, और दूसरा सेट पिक करूंगी हाइलाइटर वाला, उसको मैं नोज पे इस तरीके से। देखो बहुत सारे लोग न्यू शेड लगाते हैं सामने स्किन टोन के हिसाब से, बट मुझे ना थोड़ा सा डार्क शेड ही पसंद आता है अधिकतर आप मेरे मेकअप लुक में, या कभी भी पार्टी में, रियल पार्टी में भी देखो तो मैं लाइट शेड नहीं डार्क शेड पे जाती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर ली। अगर आप थोड़ा सा मेकअप अपना लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो आगे स्टेप फॉलो कर सकते हो, वरना फिर आप स्किप भी कर सकते हो। मेकअप सेटिंग स्प्रे तो अभी फिलहाल मैं इसी को यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास यही है और कोई बजट में नहीं है,
तो आप कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर लिया है और इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी अपने पूरे मेकअप को, हल्के हल्के से, जस्ट लाइटली। आप देख सकते हो बिल्कुल लाइटली मैं सेट कर रही हूँ। आपको मतलब ऐसे करके दाबना नहीं, अगर आप दाब दोगे ना तो आपका मेकअप निकलने के चांसेस है। सो बस, और अब मेरा मेकअप जैसा का तैसा रहेगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा मेकअप हुआ है, काफी मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। तो चलो मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, तो अब ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा कमेंट करके बताना ज़रूर। तो यहाँ पे ना ये वाली जो ज्वेलरी है ये भी मीशो की है, साड़ी भी मीशो की है और सब कुछ मीशो का है, बस बैंगल मीशो के नहीं है। तो साड़ी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 600 राउंड के ऐसे करके कुछ मिली है। अभी छठ आने वाला है ना, तो आप ये साड़ी ट्राई कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल, बहुत अच्छा कपड़ा जो इसका है ना, बहुत जॉर्जेट का कपड़ा, इतना सॉफ्ट कपड़ा ना, इजिली पहनने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और प्लस मुझे इसकी खास बात क्या लगी ना कि इसमें पिंक का कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप छठ तीस पे भी ले सकते हो और रेडीमेड ब्लाउज वगैरह तो मिलते ही हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो।